रेड लिली में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग अगर आपको चाहिए तो आपको जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ आपको करनी होगी। तो वेलकम है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है पूनम और आप देख रहे हैं मास्टर ऑफ प्लांट। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये है मेरा रेन लिली का प्लांट, ये हाइब्रिड क्वालिटी है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप खुद देखिए कि कितने सारे, मतलब जितनी आप लीव्स देख रहे हैं उससे ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आई है, और भी ये बहुत ही बंचेस में खिलते हैं। तो इन, लेकिन इसकी क्या खास बात है कि मैंने ऐसा किया क्या है इसमें जो इसमें इतनी फ्लावरिंग आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आप इसको फॉलो करिए और आपके प्लांट्स में ढेरों फूल आएंगे। तो मैंने किया क्या है, मैं इसमें जो है मैंने इसमें जनवरी में कटिंग कर दी थी, इसकी प्रूनिंग की थी, यहाँ यहाँ से इसकी लीव्स पूरी मैंने काट दी थी। उसके बाद क्या किया था, मैंने इसमें डाला था वर्मी कंपोस्ट, और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट के बाद मैंने इसमें फरवरी में डाला था बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि एक अगर आपका गमला है तो उसमें भर भर के 2 टीस्पून आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना होगा। इस तरह से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दीजिए और नॉर्मली आप गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद करना क्या है, इसमें अप्रैल से इसमें फूल आना, कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप छाछ लीजिए और छाछ को आप जैसे मान लीजिए आपने 1 गिलास छाछ लिया है, तो उसको आप 1 गिलास और वाटर ले लीजिए और दोनों को मिला के आपस में इसमें आप वाटरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे, 10 डेज़ के बाद मैंने ये लिया है, ये है एप्सम सॉल्ट, तो ये आपको डालना है, एप्सम सॉल्ट डालना है। एप्सम सॉल्ट जो है वो जो भी आपने इसमें खाद डाला है उसको ये एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तो इससे क्या होगा कि ढेर सारी कलियां बनेंगी, लेकिन याद रखिए कि जब आप एप्सम सॉल्ट डालेंगे तो आपको वाटरिंग बहुत कम करनी है। क्यों, क्योंकि ये कलियां बनने का समय है, तो कलियां बनने के टाइम पे आपको बहुत कम वाटरिंग करनी है। इसमें जितना हो सके इसकी सॉइल को सूखा रखिए और बहुत ज़रूरत होने पे ही इसकी वाटरिंग करिए। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।